काशी समाज का विभाग छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। आज यहाँ पर हम सभी महिलाओं का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और एक रैली ऑर्गेनाइज की है जिसमें महिलाओं के प्रति लगातार जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं उन पर हमें एक प्रयास है कि उनको हम जागरूक कर सकें और उनके प्रति जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को अवेयर कर सकें, दे सकें। ये एक प्रयास है क्योंकि महिलाएं जो घरों पर काम करती हैं, घरों पे जाती हैं, काम करती हैं, या वो ऐसी महिलाएं जो तत्पर परिवार में रहती हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होता है लेकिन तब भी वो चुप रहती हैं। इस वजह से क्योंकि उन्हें एक समाज का भय होता है कि अगर हम आगे आए तो समाज क्या बोलेगा। तो हमारी तरफ से लोगों को एक यही मैसेज है कि लोग जागरूक हों। ऐसा नहीं है, समाज हमसे ही बनता है और हम समाज से बनते हैं। तो हमारी एक पहल ही लोगों को काम आएगी जिससे कि महिलाएं जागरूक बनेंगी और अपने जो अधिकार हैं वो प्राप्त कर पाएंगी। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगना चाहिए कि शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, जो अवेयरनेस, अगर हम महिलाओं के सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो जहां इस समय सरकार का भी यही प्रमुखता है कि वो महिलाओं को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, क्या ऐसा मैसेज है या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लग रही है कि सरकार द्वारा अभी नहीं की जा रही है? सरकार द्वारा जो प्रयास है, अर्थक प्रयास है कि वह किया जा रहा है, तब तक किया जा रहा है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जो महिलाएं हैं जब तक खुद सामने नहीं आएंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे सरकार विभिन्न कानून बना ले या हम एजुकेशन से सबको विभिन्न शिक्षा प्रदान कर लें, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जब तक हम महिलाओं को अवेयर नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कानून के बारे में महिलाओं को काफ़ी हद तक नहीं पता होता है, तो हमारी कोशिश यही है कि महिलाएं आगे आएं और उस कानून के बारे में, उस अधिकारों के बारे में, जो भी राइट्स हैं उनके विषय में जाने। ये एक छोटा सा मैसेज है हमारे साथ ही प्रेरणा जुड़ी हुई आप करिए सॉरी अपर्णा, और ये बताएंगे इस विषय में। आइए महिलाओं के लिए जो आपने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था। जी हाँ, ये अवेयरनेस के लिए था कि जो नारी शिक्षा को लेकर नारी पर जो अत्याचार हो रहे हैं तो हम, लेकिन एक दुख की बात भी है कि हम कब तक इस तरह से, कभी नुक्कड़ नाटक के सहारे तो कभी प्ले के सहारे, कभी बॉलीवुड हमारा समर्थन करता है, कभी नेताओं के भाषण में हम शामिल होते हैं, हम कब तक बताएंगे कि हमारे साथ ये होता है वो होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ मिस्टेक्स हैं, हमें अवेयर होना है। हमारे लिए भी संविधान ने जगह दी है, कानून ने जगह दी है, हमें अपने राइट्स के बारे में जानना है। अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर कोई हमारी मदद नहीं करेगा। महिलाओं को स्वयं आगे होना होगा, यही हमारे एक छोटा सा मैसेज है इस रैली के माध्यम से और इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। धन्यवाद। द्वारा आप क्या मैसेज करना चाहते हैं? इस रैली का मेन जो उद्देश्य है वो समाज में महिलाओं की भागीदारी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो महिला अधिकार हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं या जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो समाज में किसी न किसी प्रकार से लोगों के मन में ये भावना आए कि ये गलत है। हमको महिलाओं को समान तरह से देखना आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं हमारे पुरुषों के कंधे से कंधा बराबर हो गया।